हमने बोला था क्या चीज, इफ इफ एलिफ एलिफ इस तरह से मल्टीपल लास्ट में एल्स, ठीक है, एंड एक और इफ 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 कोई एल्स नहीं होगा, ठीक है। बोले ये कैसे समझ में आएगा कि मुझे कब ये वाला क्वेश्चन कब ये वाला क्वेश्चन। हम बोले थे लास्ट क्लास में कि व्हेन, ठीक है, ओके, व्हेन मोर देन वन ट्रू कंडीशन गिवन, ट्रू कंडीशन गिवन बट वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम, यानी कोई एक ही कंडीशन एक समय में सही होगा, तो हम इफ एलिफ 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 सी में एलसीफ 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 वही वाला एलिफ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कब समझ में आएगा कि मुझे सिर्फ इफ इफ इफ, व्हेन मोर देन वन ट्रू कंडीशन गिवन, ओके, एंड मल्टीपल कैन ट्रू साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारे कंडीशन सही हो सकते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल लास्ट क्लास में यही जो नंबर मैंने एक बोला था कि एक नंबर मान लीजिए यूजर से लिए हैं, तो यहाँ पे कैसे कोड लिखेंगे, इफ एन मॉडुलस 3 अगर इक्वल इक्वल टू 0 एंड एन मॉडुलस 7 ऑल्सो इक्वल इक्वल टू 0, तो ये तो मैंने कोड किया था। हम तो यहाँ पे और भी आगे कंडीशन लिख ही सकते हैं कि इफ एन मॉडुलस 3 इज इक्वल इक्वल टू 0, 3 से डिविजिबल है, ये दोनों से डिविजिबल है, 7 से नहीं है, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, एलिफ एन मॉडुलस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सेवन से है, 3 से नहीं है, लास्ट एल्स, एल्स भी लिख सकते हैं, लास्ट में एलिफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोला दोनों में से आपकी मर्जी, आप कौन सा लिखना शुरू करते हो, तो हम लोग बस अभी लॉजिक समझा रहे हैं, ठीक है। तो आपको खाली मैसेज चेंज कर देना है, वो है प्रिंट डिविजिबल बाय बोथ, प्रिंट 3 बट नॉट 7, प्रिंट 7 बट नॉट 3, प्रिंट नॉट डिविजिबल, किसी से भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। लास्ट एक एग्जांपल से मैं आपको पहले समझाता हूँ, क्योंकि बहुत जन इसको समझते हैं कि एक ही है दोनों। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा, एंटर अ पासवर्ड, जिससे आप लोग फ़ोन में या बहुत जगह पासवर्ड देते ही हैं, ठीक है। अगर कोई पासवर्ड 1221 डाला तो उसको दिखाएगा वेलकम राम, अगर कोई पासवर्ड 2222 डाला तो उसको दिखाएगा वेलकम श्याम, नज़र हटाना मत। कोई 3333 डाला, वेलकम मान लीजिए मोहन, एंड अगर अदर देन कुछ भी डाला तो रॉन्ग पासवर्ड। अब मुझे कोड करना है, कंडीशन मैं दूंगा, कोडिंग बस करना है, ठीक है। पहला आपसे क्वेश्चन कि कॉट ऑफ वेरिएबल लेना पड़ेगा इनपुट के लिए, नेम को वेरिएबल लेना पड़ेगा, नहीं नहीं पासवर्ड लेने के लिए कॉट ऑफ वेरिएबल चाहिए, गुड, क्योंकि ये जब आ रहा है तो ये नहीं आ रहा, जब ये नहीं आ रहा तो ये आ रहा, मतलब पासवर्ड तो एक ही वेरिएबल में रहेगा, ठीक है। इसको चेकिंग करेंगे हम 4 बार, ठीक है, तो इसको हम करके दिखाते हैं, IDLE
फाइल में गए, न्यू फाइल, सेव फाइल, डेस्कटॉप पे पाइथन समर, ऑलरेडी F1 बना हुआ है, F2 हम बना लेते हैं, ठीक है। बोलना क्या चाह रहा है, एक प्रिंट, तो पासवर्ड, तो P1 इज इक्वल्स टू int, int, ठीक है, इनपुट, इंटर पासवर्ड। जरूरी नहीं कि आप इंटीजर ही पासवर्ड लोगे, आप उसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कैपिटल A, कैपिटल B, वो आपकी मर्जी है, हम लोग सब सपोर्ट करेगा। इफ़ P1 इज इक्वल इक्वल टू, तब इस तरह से, अब अगर इंटीजर में नहीं कन्वर्ट करोगे तो डबल कोट से चेक करना पड़ेगा। तो मैंने 1221, ठीक है, अगर इंट लगा दोगे तो कैसे चेक करना होगा, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, बोला वेलकम राम, प्रिंट, बस हम उतना पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, कॉपी एल पेस्ट श्याम, वेलकम राम, ठीक है। स्ट्रिंग क्योंकि हम इंटीजर कन्वर्ट कर ही नहीं तो एजेंट में, ठीक है। 3333 वेलकम मोहन, लास्ट एल्स, अदर देन एल्स कंडीशन, हाँ, अगर इनको छोड़ के अगर कोई कंडीशन हम देंगे तो रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड। चलिए मैं देता हूँ 2222, वेलकम श्याम, ठीक काम किया, ठीक। बोले ये तो समझ में आ ही रहा है, गलती से, हम लोग जानते हैं कॉपी पेस्ट पे बहुत भरोसा करते हैं, गलती से छूट गया, हम लोग मैसेज चेंज कर दिए हैं लेकिन कंडीशन सेम ही रह गया, तो क्या होगा, ठीक। दोनों एग्जीक्यूट करेगा, पहला वाला, ठीक है। बोला क्यों ऐसा, क्योंकि एट ए टाइम कोनो एक्टा ही कंडीशन, अभी बोले यही तो रिक्वायर्ड है कि आपका मल्टीपल कंडीशन मैच तो कर सकता है लेकिन कोई एक ही एक समय में, और जो पहला मैच करेगा उसी को वो लेगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा खेल जो है फ्लैग बिट, मतलब एक वेरिएबल ले लेता है, जो डेवलप किया है ना उसने एक फ्लैग बिट वेरिएबल ले लिया है अंदर में, कि अगर ना ना जावे तो, किंतु एक्चुअली मैं मतलब ये जो लोग माइक्रो प्रोसेसर वोसेसर पढ़ते हैं उसके लिए, कि आपका ये तो चेक करेगा ही करेगा, चारों चेक करेगा, भले ये ट्रू हो गया तो वो एक बीट ले लिया, अगर जीरो है तो वो आगे फिर से चेक करने जाएगा, अगर वन हो गया और डुप्लीकेट है या अननोन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्किप मार के निकल जाए, इस बिट का खेल है कि कोई एक ट्रू मतलब ट्रू, ठीक है। अगर नहीं ट्रू है, एग्जांपल मैंने एक ऐसा पासवर्ड दिया जो कि इसमें है ही नहीं, 2233, कोई बात नहीं, रॉन्ग पासवर्ड, तो एल्स में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर। बोला गलती भी की है, गलती से, अब क्या दोनों सेम हैं, ठीक है। अगर गलती से आप एलिफ को इफ कर दिए और 2222 डाले तो वेलकम श्याम वेलकम मोहन दोनों आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल कंडीशन ट्रू एक साथ करवाता है, ठीक है। हमको बस कोई एक जन इसका आंसर बता दे, अगर 2222 डालेंगे तो, हम अगर यूजर से 2222 डालेंगे इनपुट तो इसका आउटपुट क्या है सर, 2222 डालेगा
चार को टू आपका नाम सनंदा वेलकम श्याम भी आएगा रॉन्ग भी आएगा काहे काहे कि कल का यही मैं बताया था ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं अगर ये नहीं होगा तो ये पक्का होगा तो पासवर्ड का मैच कर लो ना 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 सुनो 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 अभी मैंने जब आपको कंडीशन बताया उसमें क्या बताया आप कंडीशन को अच्छे से गौर से देखो मैंने बताया इफ़ एलिफ एलिफ में एल्स होता है इफ 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 जब लगाओगे तो एल्स होता ही नहीं है आपने गलती से क्या किया है कोड में एल्स लगा दिया है लास्ट आप कोड को गलती से देखो मैं तो एडिट किया ना लास्ट में एल्स लग गया है तो ये एल्स किसका होगा सिर्फ लास्ट वाले का ऊपर वाले का नहीं ठीक है ओके सिर्फ अगर इफ नहीं हुआ तो एल्स पक्का होगा अगर इफ मैच कर गया तो एल्स नहीं होगा मतलब दोनों एट ए टाइम कोई एक एग्जीक्यूट करेगा ठीक है हाँ एकदम ठीक कि एक ही मात्र ऐसा कंडीशन है कि दोनों में मैच करेगा वो है ये ठीक है एक ही मात्र ऐसा कंडीशन है जो कि और अगर कोई ये सब ठीक है क्योंकि ये दोनों आपस में ठीक ठाक काम करेगा लेकिन इन दोनों में कोई भी ट्रू कर दी है तो ये एल्स वाला पक्का हो ठीक है दिखाते हैं अगर मैंने पासवर्ड 1221 डाला तो वेलकम राम आके रॉन्ग पासवर्ड क्यों क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है हां सवारी प्रायोरिटी इक्वल এটাও চেক করছে এটাও চেক করছে এদের মধ্যে দুটোর মধ্যে একটা চেক করছে ইফ যদি না হয় তাহলে তো এলস ওকে अगर गलती से ये अब क्या होगा कोई हमको मत पहले कंफ्यूज मत होइए और हड़बड़ी मत करिए इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है ठीक है কেন কি এইটা ঠিক আছে ইফটা ঠিক হয়ে গেল না তাহলে এলস কেন যাবে ইফ আগর নহি ট্রু হতা তো এলস হতা জেসে ইয়ে অলগ আগর পাসওয়ার্ড রাতা তো আপকা ঠিক আছে ক্লিয়ার অনলাইন সমঝ মে আয়া আপকো হ্যাঁ স্যার यस স্যার তো মানে দোনো কো মিক্স মত কিজিয়েগা পহলা চিজ ইয়েহি হ্যায় दोनों मिक्स नहीं करिएगा लास्ट किस सर हमको कैसे पता चलेगा इफ 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 कहां पे लगेगा ठीक है इफ 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 लास्ट क्लास में हुआ था ऐसे प्राइम नंबर लेकिन कल तो बताए थे प्राइम नंबर में बट फिर भी आज हम क्वेश्चन चेंज ठीक है मतलब क्वेश्चन चेंज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कैसे दिमाग में आएगा कि मुझे यहां पे इफ 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 लगना है मैं एक क्वेश्चन देता हूँ देखिए जब हमारे फ़ोन में एसएमएस आता है जब हमारे फ़ोन में एक एसएमएस आता है इनकमिंग एसएमएस मतलब कोई मुझे भेजा है तो किस तरह से आता है इस तरह से कुछ ये कोड है चेंज इन मैसेज मोड इनकमिंग इनबॉक्स आई फॉर इनबॉक्स कुछ टी का मतलब कुछ होगा ठीक है और टेलीकॉम या कुछ भी नाम होगा आई फॉर इनबॉक्स एस फॉर सेंड बॉक्स ओके बोला ओके दूसरा प्लस सी एम टी आई अच्छा मैसेज पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है तो नहीं पढ़ा हुआ है ठीक है मैसेज भेजा कौन है मैसेज भेजने वाला कौन है सॉरी मैसेज भेजने वाला कौन है मान लीजिए मेरा ही फ़ोन नंबर है
इस नंबर को आपने किस नाम से सेव किया है, या अगर नहीं सेव किया है खुद ब खुद अननोन। ठीक है, मैसेज क्या आया है, मान लीजिए गुड आफ्टर नून। ठीक है, कितने हाँ कंपनी नंबर, ओके गुड आफ्टरनून। ओके लास्ट है कि कितने तारीख को कितने बजे आया है, मान लीजिए 24 तारीख को, मान लीजिए 3:30 में आया है। ठीक है, बोला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से दे दिया, आपको इसमें से सिर्फ फोन नंबर और मैसेज निकालना है, बात बाकी बहुत आना है। मतलब क्वेश्चन यही है कि एक्सट्रैक्ट पूरे मैसेज में से एक्सट्रैक्ट फोन नंबर एंड मैसेज ऑनली, कैसे निकालें। सो इफ अरे वो तो बात की बात है, पहले तो हमको सिर्फ ये निकालना है और सिर्फ ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले तो हमको लूप लगाना होगा कहाँ से कहाँ तक, तो एकदम शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक। ठीक है, उसमें भी क्या हमको गौर करने वाला है कि जब मुझे पहला कॉमा मिलेगा तो हम रुक जाएंगे, उसके बाद मुझे फ़ोन नंबर मिल जाएगा, जब मुझे दूसरा कॉमा मिलेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिर से जब तीसरा कॉमा मिलेगा तो फिर से मुझे मैसेज मिल जाएगा, चौथा कॉमा के बाद छोड़ देंगे, ब्रेक मार देंगे, तो आगे चलेंगे ही नहीं। तो कोड में कॉमा क्लू है हमारा। ठीक है, कि कॉमा 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 पे हम जाकर खुद से करने जाइएगा, जानते हैं मतलब अंदर का कलेजा निकल जाएगा कोडिंग। सर काउंट से काउंटिंग पहला कॉमा आएगा, उसके बाद दूसरा कॉमा, उसके बाद तीसरा, खुद से करेंगे, लेकिन वो कब, जब स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको पाइथन इतना मतलब आसान कर दिया है चीज़ों को, एक अलग से वेरिएबल ले लो। ठीक है, नज़र लगाना मत, s1.split खत्म, कोड ही खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या किया, पूरे स्ट्रिंग को कॉमा से तोड़ दिया, एक बार टेस्ट कर लो क्या हुआ, प्रिंट s2 देखते हैं। जीरोथ इंडेक्स में पहला डेटा आ गया, 1th इंडेक्स में दूसरा डेटा आ गया, 2th इंडेक्स में अननोन आ गया, देखिए टूट टट के। तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ 1 वाला डेटा और 2 नहीं 3 वाला डेटा। तो मतलब अगर मैं ये प्रिंट ना करूँ, या प्रिंट करने दीजिए ना, ये प्रिंट करूँ 1 वाला डेटा और 3 वाला डेटा, हो गया कोड खत्म। सिर्फ देखिए फ़ोन नंबर निकल गया, सिर्फ मैसेज निकल गया पूरे स्ट्रिंग में से, स्ट्रिंग सिंगल कोट में तो डेटा ही है, ये तो मेरा डेटा है, उसको स्ट्रिंग समझाने के लिए वो डबल कर। ठीक है, ओके स्प्लिट देखो, स्प्लिट की काज करे, स्प्लिट एक फंक्शन जेटा स्ट्रिंगर मध्य তুমি যে কোনো জায়গা থেকে তুমি স্প্লিট করতে পারো। আমি ধরো ভুল করে কমা জায়গা সিঙ্গেল কোট দিয়ে দেবে, ভুল করে, এবার ও ভাঙবে কোথা থেকে, এইটা ভেঙে দেবে, এটা ভাঙবে, আগেন এটা ভাঙবে, সরি এইটুক ভাঙবে, যেখানে যেখানে সিঙ্গেল কোট আছে সিঙ্গেল কোট দিয়ে ভাঙবে। ঠিক আছে, ধরো আমি লিখে দিলাম 9 দিয়ে ভাঙ, পুরো এইখান পর্যন্ত পুরো ভেঙে দেবে, আলাদা আলাদা ওখানে ওখান থেকে ডিভাইড হয়ে যাবে। বললো স্যার ইয়ে ওলা চিজ কাহা পে আতা হ্যায় কাম, জব আপ লোগ জিমেল ভেজতে হো দু তিন আদমি কো এক সাথ, তো ক্যা করতে হো, পহলা ইমেল আইডি সেমি কোলন, দুসরা ইমেল আইডি সেমি কোলন, তিসরা ইমেল আইডি, ও কেসে সমঝতা হ্যায় সেমি কোলন সে স্প্লিট করকে। আপ দেখো এক আদমি কো মেসেজ ভেজনা তো থোড়া জলদি চল জাতা হ্যায়, 100 আদমি কো মেল করনা এক সাথ, জেসে কলেজ কা টিপি হো আপকো মেল ভেজতে হ্যায়, থোড়া ঘুমতা হ্যায় ও ক্যা কর রহা, লুক ঘুমা রহা,
एक मेल, दूसरा मेल, तीसरा मेल, वो एक एक करके ही भेज रहा, लेकिन ये स्प्लिट का कमाल है। जितना क्वेश्चन आपके सामने आएगा उतना अच्छा आपका दिमाग खुलेगा। जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ये तो बहुत सिंपल हमने अभी तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट ही नहीं है, ये तो आधा कंप्लीट है। बोला दूसरा क्वेश्चन इसी में, इफ मैसेज कम फ्रॉम, कोई भी मैसेज भेजेगा तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक, जैसे आप लोगों का फ़ोन में जो OTP आता है, तो अगर एयरटेल का OTP एक ही साथ आ गया और गलती से फेसबुक का भी OTP एक साथ, ठीक है, नैनो सेकेंड मान लीजिए डिफरेंस, तो क्या फिर ऐसा होगा कि फेसबुक वाला एयरटेल वाला रीड कर लिया है, एयरटेल वाला फेसबुक करने ना कैसे समझता है? तो वो अपना वो जो VX समथिंग एयरटेल के लिए जो ऊपर में जो कोड रहता है उससे वो डेटा तो रीड करता है। तो इफ़ मैसेज कम फ्रॉम 8637834758 अगर इस फ़ोन नंबर से आया होगा तो ही ये वैलिड है, देन वैलिड एल्स इनवैलिड, मतलब वहीं से ख़त्म, आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने क्वेश्चन घुमा दिया तो बोला मतलब मुझे पहले तो मैसेज निकालना और ये निकालना। अब कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, इफ H2 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, लगे कैसे आया है डेटा, इस फॉर्म में डेटा आया है ना, 905156 नहीं सॉरी 8637, अगर मेरा मैसेज इस फोन नंबर से आया होगा तो देन प्रिंट वैलिड टेस्टिंग, घुमा रहे हैं आप क्वेश्चन को, एल्स ये तो मैसेज के लिए, अभी तो ये तो नहीं, किस फ़ोन नंबर से मैसेज आया है, ये फ़ोन नंबर है, किस फ़ोन नंबर से मैसेज आया है, क्या मैसेज आया है वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो पहले अगर मैसेज यहीं पे हटा देगा, मान लीजिए ना ही एयरटेल से आया ना ही वोडाफोन से आया, एगो एडवर्टाइज आ गया कि लोन ले लो, ठीक है, तो कोई काम का नहीं है, बेकार, तो इनवैलिड। एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्या दिखाया, ओके अब क्या आएगा, कोड में काम करना स्टार्ट कर दिया, वो तो मैं आपको बस टेस्टिंग के लिए, सब तो हम हर एक लाइन बाय लाइन टेस्ट करते हैं ना, हम अंदर ही अंदर सब चेक हो रहा है, ठीक है। अच्छा रुक जाइए, अभी ख़त्म नहीं हुआ, लास्ट, ठीक है, इफ वैलिड, अगर मेरा फ़ोन नंबर वैलिड है तो रीड OTP, अब मैं मैसेज चेंज कर रहा हूँ, डोंट शेयर योर 4-digit OTP, ठीक है, दिस इज कॉन्फिडेंशियल, जो भी हो, मुझे इसमें से सिर्फ इतना सिर्फ निकाल के दिखाना है, बाद बाकी सबको उड़ा देना है। अब ना कोडिंग, अब तो कोड में धीरे धीरे आपको समझ में आएगा स्ट्रिंग इतना कंपनी क्यों मांगती है, क्योंकि आपको स्ट्रिंग में फंसते जाओगे, फंसते क्वेश्चन बनाते जाएगा वो फंसते जाओगे आप, तो आपको अगर आप करते हो इस तरह से H2 of 3, तो क्या आएगा, पूरा मैसेज तो आ जाएगा, डोंट शेयर, मतलब इसमें से मुझे ये नहीं चाहिए, ये मैं नहीं कर सकता, कंपनी का तो मैसेज कंपनी की तरफ, तो वो कैसे रीड करता है, ठीक है, ऑटो रीड मुझे करना है, ऑटो रीड जैसे आजकल ऑटो रिजेक्ट कर लेता है OTP, ठीक है, मतलब कैसे 0th index, 1th index, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 से स्टार्ट हो रहा, तो मैं इंडेक्स नंबर पता चल गया मुझे कि 29 से 30, 31, 32 लेंगे तो क्या काम करेगा, या 33 लेना पड़ेगा। 33 हमेशा एक कम लेता है, जैसे लूप में, ठीक है। तो बोला एक बार करके दिखें, तो हमको क्या करना होगा, H2 of 3 का 29 से 33 तक, ये होता है 2D, मतलब H2 of 3 मतलब ये पूरा मैसेज, उसका 29th पोजीशन से लेके 33 पोजीशन तक, मतलब 33 मतलब स्पेस हो गया, तो वो लेगा कितना, 32 तक, ठीक है। मतलब सच में काम करेगा, देख लीजिए, ठीक है। स्ट्रिंग का बोला, अच्छा ठीक है, अब क्यों एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया, अब क्यों गिनना होगा, OTP चेंज कीजिए आप, वोडाफोन का मैसेज तो सेम रहता है, OTP पोजीशन खाली चेंज हो गया, एक बार कोड कर दिए हो गया ऑटो डिटेक्ट, बोला ठीक है, पोजीशन तो वही रहता है। हाँ, अब लास्ट, ठीक है, बोला टेक, कभी कभी नहीं लेता है, ठीक है, टेक OTP फ्रॉम यूज़र एंड मैच, ठीक है, टेक OTP मतलब अपने से डिटेक्ट करो, ठीक है, लेकिन यूज़र से ले लो, तो मान लीजिए OTP, ठीक है, तो इनपुट इंटीजर मत लीजिए, वो देखने में इंटीजर है, ठीक है, इंटर OTP, इफ़ अगर मेरा पासवर्ड इज इक्वल टू P1, मतलब वो जो OTP ऑटो डिटेक्ट किया और आपने जो डाला दोनों अगर मैच किए, तो प्रिंट, तो कुछ भी वैलिड मैच्ड, कुछ भी एक मैसेज है, मुझे रास्ता भी मिलना चाहिए ना, कि मैं खुद से कर लूँ, आपने कितनी खूबसूरती से देखो नेस्टेड इफ एल्स हम लोग लग गया, लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो मेरा कंडीशन से, तो एक इफ के अंदर फिर से इफ, नेस्टेड इफ, लेकिन उसको याद नहीं रखना है, वो आपको क्वेश्चन ही बताएगा, मैंने बोल दिया, अगर ये नहीं बोलता कि इफ मैसेज कम फ्रॉम दिस नंबर, तब तो इसका जरूरत नहीं था, ये जरूरत कब पड़ा जब मैंने ये कंडीशन दिया था, और अगर OTP यूज़र से मांगी है तो ही मैच करेगा, एल्स नॉट मैच, ये जाके कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है, यूज़र से मैं OTP ले सकता हूँ, क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्या खेल था, पहले तोड़ते कैसे हैं, स्प्लिट फंक्शन से, सब स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, जहाँ से जहाँ तक सब स्ट्रिंग निकालना भी बहुत इजी है, मैंने एक स्ट्रिंग का थोड़ा पार्ट काट के निकालना, चॉपिंग करना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर आप लोग उतना ही पकड़ बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लूप, एरे, फंक्शन और स्ट्रिंग, लूप, एरे, फंक्शन और स्ट्रिंग, काफ़ी, ठीक, ऑनलाइन समझ में आया, मैंने एक चीज़ तो समझा दिया कि अब मेरा बस अब खाली पढ़ लेना है हमको, कि कब मुझे लगेगा कि नेस्टेड इफ एल्स लगाना ज़रूरी है, वो तो आपको रट्टा नहीं मरवाया जा सकता, ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स कब लगता है, जब मेरा सेकेंड कंडीशन फुल्ली डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट कंडीशन, अगर मेरा फ़ोन नंबर ही मैच नहीं करेगा, OTP लेने का कोई मतलब नहीं है, अपॉन फर्स्ट कंडीशन, मतलब एक और एग्जांपल से समझाइए, बहुत ही इजी है, हमारा फ़ोन का सिस्टम,
हमारा फ़ोन में जब फर्स्ट टाइम मांगता है पैटर्न अनलॉक मांगता है या पिन मांगता हो, अगर वो डालिएगा तब फ़ोन खुलेगा, वहीं पे गलती तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। उसमें भी कोई कोई व्हाट्सअप व्हाट्सअप में लॉक लगा के रखता है, लगा के रखे हैं हाँ, तो व्हाट्सएप में लॉक है हाँ, तो व्हाट्सएप अच्छा व्हाट्सएप में लॉक लगा के रखते हैं, तो वो अगर पिन डालोगे तो आपका व्हाट्सएप खुलेगा, अनइंस्टॉल मारना कोई चाहेगा तो भी पिन मांग देगा, मतलब अच्छा है बिल्कुल तो अच्छा है ना, नहीं तो कोई क्या किया आपका फ़ोन, इसलिए आप ही लोग सर थोड़ा फ़ोन दीजिए ना, व्हाट्सएप देख के अरे थोड़ा पढ़ लेते हैं मैसेज, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जो चीज़ करता है उन्हीं के लिए पिन जरूरी है, ठीक है। व्हाट्सएप अनइंस्टॉल मार दिया तो कैसा होगा सर बैकअप, व्हाट्सएप में कैसा चाहिए पूरा बैकअप आएगा, पूरा बैकअप आ जाएगा, अच्छा ठीक है। तो इसमें भी हमारा नेस्टेड, क्यों, क्योंकि पहले फ़ोन खुलेगा तब तो व्हाट्सएप का पिन, यही नहीं खुलेगा तो बात खत्म, ठीक है ओके। बोला और कुछ बचा है, अब बस क्वेश्चन, ठीक है, तो हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस देते हैं। मेरा अब बचा क्या है, इसमें क्वेश्चन हम थोड़ा सा करवाएंगे, लेकिन स्विच केस हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब स्विच केस क्या होता है आपको पहले हम समझा देते हैं, क्या कमी है इफ एल्स में, क्या कमी है, तो लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ इफ और एल्स। मतलब हम टीवी के रिमोट से समझाते हैं, अब जिससे जल्दी समझ में आए, टीवी के रिमोट में अगर एक से लेके 1000 चैनल पकड़ता है और किसी ने चैनल इनपुट डाला 600 नंबर चैनल, तो कोड लिखो इसके ऊपर, तो आप क्या कोड लिखोगे, इफ चैनल नंबर इज इक्वल इक्वल्स टू 1 तो ये चैनल पकड़ो, एलिफ इफ चैनल नंबर इज इक्वल इक्वल्स टू 2 तो ये चैनल, डॉट 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 एलिफ इफ चैनल नंबर इज इक्वल इक्वल्स टू 600। चैनल पकड़ने के बावजूद भी ऊपर तो चेक करेगा ही करेगा, नीचे में भी टेस्टिंग होगा, इफ चैनल इज इक्वल इक्वल्स टू, भले काम नहीं करेगा लेकिन चेकिंग होगा, ने बहुत स्लो रिस्पॉन्स होने वाला है। डायरेक्टली जंप करेगा उसी जगह पे, बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं आप लोग हमको बताना कि दोनों में बेटर कौन सा लगा, तो सी का या पाइथन का, ओके ना। तो ये तो समझ में आया कि बहुत लेंदी है, ठीक है, अगर 600 नंबर चैनल मतलब ये तो ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको पूरा का पूरा कोड ऊपर में भले फॉल्स हो, होने के बावजूद भी आपका नीचे में भी टेस्टिंग होते रहेगा, बहुत स्लो रिस्पॉन्स। मतलब इसके लिए क्या आया, स्विच केस। लेकिन स्विच केस कब से आया है, ठीक है, तो पाइथन का 3.8 के ऊपर वर्जन, इसके पहले स्विच केस नहीं था पाइथन, ठीक है ओके। आगे बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत में तो स्लो रिस्पॉन्स था, मतलब कैसे, बोला डिक्शनरी से, ठीक है ओके। सी में पहले हम स्विच केस समझा देते हैं कैसे काम करता है, सी में स्विच केस, स्विच अपना कंडीशन जिस केस से उसका वैल्यू मैच कर दिया, जैसे कहीं पे अगर लिखा हुआ है प्रेस वाई फॉर यस एन फॉर नो सी फॉर कैंसिल, तो केस वाई ब्रेक, केस एन ब्रेक, इस तरह से लिखना पड़ता था, बोला इतना झमेला नहीं है। प्लस एक और प्रॉब्लम था, क्या कभी भी स्ट्रिंग केस बन सकता है, तो बोला नहीं, सी में स्ट्रिंग का केस बन सकता है, बोला नहीं, क्या डिसिमिलर केस बन सकता है, यानी एक इंटीजर एक कैरेक्टर, बोला नहीं, तब तो यहाँ पे आपको पाइथन है। मतलब कैसे करेंगे हम पाइथन में, सिंपल है, एक डिक्शनरी ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हम पहला केस 45 डालना चाहते हैं, कोई अगर यूज़र इनपुट डाला 45 तो हम लोग योयो आएगा, ठीक है ओके। अच्छा कोई अगर 89 डाला, ठीक है, कुछ भी क्या, तो चलिए हनी सिंह ही डाल देते हैं, हनी पहले आएगा, ठीक है, अभी सिंह बाकी है। 70 डाला
फोकसिंग। अब कोई अगर मैच नहीं किया तो वो आपको निकालना है, तो यूज़र से इनपुट लीजिए, तो यूज़र से अपना इनपुट ले लीजिए, इंच इनपुट, इंटर योर चॉइस, इंटर चॉइस। यूज़र जो भी डालेगा, हमको अगर खुद से कोडिंग लिखना पड़ता तो कितना लिखना पड़ता, लूप घुमाना पड़ता, क्या मैच किया, क्या मैच किया, क्या मैच किया, नहीं मैच किया तो फिर से वो झमेला। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है, कैसे l1.get, get नाम का फंक्शन बना, डिक्शनरी के अंदर जाके गेट करो n1 नाम के वैल्यू से, अगर मिला तो उसका वैल्यू रिटर्न करो, अगर नहीं मिला तो रॉन्ग चॉइस, डिफ़ॉल्ट मैसेज आपको, अगर मिल गया तो वो, तो मान लीजिए यूज़र ने डाला 89 तो हनी, अगर यूज़र ने डाला 45 तो यो यो, ठीक है। मतलब कितनी आसानी से मेरा स्विच के सिस्टम बन गया, बदकर के देख लेते हैं, ठीक है। मतलब ये स्विच केस वही है, आप थोड़ा लंबा देखे हो, 45 में क्या मैसेज प्रिंट कराना है, कॉमा 80 में क्या मैसेज प्रिंट, वही चीज़ है, ब्रेक मारने का भी झंझट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर डिक्शनरी को इस्तेमाल करके दिमाग लगाया है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। प्लस अभी तो सिमिलर डेटा टाइप अभी देखे, इसमें डिससिमिलर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि केसेस जिससे भी मैच कर जाए वो अपना काम कर जाए, ठीक है। बोला चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, फाइल में गए, न्यू फाइल, ठीक है, l1, कुछ भी, s1 is equals to, yeah, n1 is equals to int input, की तरह बकवास नहीं है, मैंने बहुत इजी कर दिया है, नहीं तो बहुतों को तो समझ में नहीं आता, तो खाली केस 1, 2, 3 मैंने 30 डाला, आया, अच्छा एक बार फिर से मान लीजिए मैंने 91 डाला, रॉन्ग चॉइस क्योंकि नहीं मैच किया, तो काम किया, मतलब इसका बहुत तगड़ा चीज़ है, क्योंकि मेरा l1.get गेट फंक्शन है, डिक्शनरी में जाके खोजो n1 को, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो रॉन्ग चॉइस। आप लोग चैनल एक सेट करते हो ना, एक नंबर में क्या पकड़ना चाहिए, दो नंबर में क्या पकड़ना, डिक्शनरी डिक्शनरी हम जीरो से क्यों डाल नहीं सकते हैं, हाँ लिखने, लेकिन फर्स्ट तो काम करेगा, ठीक है। डिक्शनरी में तो दोनों फैसिलिटी है ना, मैं रैंडम भी मान सकता हूँ, मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप आजकल तो जानते हैं पैसा जिसका देंगे उसी वही चैनल पकड़ेगा, तो जीरो में कोई और भी डेटा देख सकते हैं, या 48 से पकड़ेगा, 56 पकड़ेगा, बीच बीच वाला खाली एरर देगा, ठीक है, ठीक ना। अरे पूरा इन सब के ऊपर इतना खोज हो रहा है आजकल, पाइथन का हर दिन आप खाली वर्जन चेक करना थोड़ा, कब कब वर्जन आया है, 3.8 से लेकर 3.10 के बीच में
मुझे लगता है 2 साल में इतने सारे वर्जन आ गए हैं, मतलब खोज हो रहा तभी तो, ये कमी है तो एक नया वर्जन, ये कमी है तो एक नया वर्जन, बहुत ज़्यादा खोज हो रहा है। 3.10.5 समझ में आया। तो हमारे पास स्विच केस बोला, ये तो ठीक है सर, अगर सिमिलर डिसिमिलर दोनों रहेगा तो, कोई अगर वी डालेगा, कोई अगर 98.7 डालेगा, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मैं जान बुझ के फंसा दे रहा हूँ। और 98 अब दोनों को फिल्टर करना, ठीक है, क्योंकि अब दोनों में जहाँ नहीं होगा क्योंकि एंटर जो चॉइस है वो तो इंटीजर में है ना। अरे एकदम सही बोले, एंटर योर चॉइस तो मेरा इंटीजर में है ना, हम लेंगे ही क्यों, बचा स्ट्रिंग में, मतलब सर स्ट्रिंग में लेंगे तब तो ये सिर्फ काम करेगा, ये तीनों तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है, शुरू हो गया, ट्राई, कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो, क्या चीज़, N1 को फ्लोट में कन्वर्ट करने का, कोशिश करो N1 को फ्लोट में कन्वर्ट करने का, और खोजो, अगर नहीं कोशिश अनसक्सेसफुल, जैसे V कभी फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, 30 हो सकता है, 30.0, 98.7, 98.0, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये है 98.0, ये 98.7, दोनों फिल्टर हो गया, तो कोशिश करो फ्लोट में कन्वर्ट करने का, अगर मिल गया ठीक है, अगर इन केस सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब एक्सेप्ट, ये है एडवांस पाइथन एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक है, बोला गया है, तो स्ट्रिंग में ही खोजो, मतलब हमको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, कोशिश करो फ्लोट में कन्वर्ट करने का और खोजो, अगर कोशिश अनसक्सेसफुल हुआ तो आप स्ट्रिंग में ही खोलो, खोजो, बोले सच में काम करेगा, 30 काम किया, परफेक्ट, वी काम किया, ठीक है, मैं दोनों काम करने लगा, ठीक है, अब ना मजा आएगा, 100 ठीक काम किया ना, काम तो करेगा ही, अभी रुक जाइए, आपसे सबसे बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे है 98 को लेके, तो HHH आया और 98.7 FM 98.7 दो जगह ऐसा 98.0 और 98 डुप्लीकेट केस मार देगा कंपाइल टाइम में, ठीक है, पाइथन हम बोले थे स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, आपको कंफ्यूज कहीं करेगा ये नहीं, नहीं ना तो मैं आगे ही बोले थे डुप्लीकेट के रनिंग टाइम में 98.0 बैठा गया तो एचएच प्रिंट होगा, हाँ इंटीजर कहाँ कन्वर्ट किए, इंटीजर में करते हैं तो इसको भी तोड़ के वो क्या करता है 98 में कन्वर्ट कर देता, इसलिए मैंने फ्लोट का चक्कर लिया, और ये ट्राई एक्सेप्ट इतना अच्छा चीज़ है, ये जब कब पढ़ेंगे, जब हम लोग का एडवांस पाइथन स्टार्ट होगा, लेकिन इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही कमाल का है, मतलब कंपनी वंपनी में क्यों इतना पाइथन को प्रेफरेंस मिल रहा, हैंडल भी कर रहा, डिससिमिलर टाइप भी चेक हो जा रहा है एक साथ, जो कि हम लोग का सी में जान निकल जाएगा लेकिन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, डिससिमिलर तो कभी नहीं होगा, जैसे मैंने बोला था इंटीजर और स्ट्रिंग को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सी में, ठीक, समझ में आया।